आज का वीडियो एक ऐसे इंसान पे है जिसने साबित कर दिया कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच, उसके साथ साथ पक्का इरादा और कभी हार न मानने वाली जज्बे की आवश्यकता होती है। तकलीफ ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई इसे उभरने की सोचता है तो कोई पूरी ज़िंदगी रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबत से होता है, इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज का वीडियो हमारा एक ऐसे ही शख्स के ऊपर है जिसका ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरा था। अपने दोस्तों के सुझाव से मुंबई जाकर काम ढूंढने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जेब में बिना पैसे की रहना और मुंबई के दादर स्टेशन पे खाली पेट सोने से ज़्यादा उनको तकलीफ था अपने पिता और भाई के कुछ दिन पहले हुए मौत के सदमे से बाहर आना। ऐसे तकलीफ़ों के बाद भी सुदीप दत्ता ने जो मुकाम हासिल किया है वह आज के युवा के लिए बहुत ही प्रेरणा है। दोस्तों, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कुछ ऐसा ही रास्ता सुदीप दत्ता ने चुना जो आगे चल के उन्हें सफल इंसान बनाया। सुदीप दत्ता का जन्म वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे, 1971 के जंग के बाद वह अपाहिज हो गए थे। ऐसे स्थिति में बड़ा भाई ही परिवार के लिए उम्मीद का किरण था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलने के कारण बड़ा भाई का इलाज न करवा सके और उसकी मृत्यु हो गई और उनके पिता भी बड़े बेटे के सदमे से चल बसे। उनकी माँ उस बच्चे के लिए सहारा जरूर थी, लेकिन उनकी माँ के ऊपर चार भाई बहनों के लिए जिम्मेदारी थी। अपने परिवार की जिम्मेदारी अब सुदीप दत्ता के ऊपर थी। उनके दोस्तों के द्वारा दिया हुआ सुझाव तब सही साबित हुआ जब उन्हें 15 रुपये की मजदूरी का काम और सोने के लिए जगह मिली। सोने की जगह एक ऐसा जगह पे था जहाँ 20 मजदूर सोते थे। कमरा इतना छोटा था कि सोते वक्त हिलने का भी जगह नहीं मिलता था। 2 साल के बाद उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब नुकसान के चलते उनके मालिक ने फैक्ट्री बंद करने का निर्णय लिया। ऐसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हार नहीं मानी और नौकरी ढूंढने की वजह उन्होंने फैक्ट्री खुद चलाने का निर्णय लिया। 1975 में अपनी अब तक की बचाई पूंजी और कुछ दोस्तों से लेकर 16,000 इकट्ठा किए। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की राशि बहुत कम थी, लेकिन सुदीप ने 2 साल का मुनाफा बांटने का किसी तरह फैक्ट्री मालिक को मना ही लिया। सुदीप उसी फैक्ट्री के मालिक बन चुके थे जहां कल तक वो मजदूर थे। 19 साल का सुदीप, जिसको खुद का पेट भरने की चुनौती थी, उन्होंने कई मजदूर के परिवार चलाने की जिम्मेदारी ली। एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्युमिनियम जैसे कंपनी अपने आर्थिक मजबूती के कारण मुनाफा कमा रही थी। सुदीप ये जान गए थे कि बेहतर उत्पादों और उन्नयन पर ही उन्हें दूसरों से अच्छा साबित करेगा। सुदीप ने परसों तक बड़े ग्राहकों के साथ अपने उत्पादों के बारे में समझाना जारी रखा और छोटी कंपनी के ऑर्डर के सहारे अपना बिजनेस चलाते रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले जैसे कंपनी से ऑर्डर मिलना शुरू हो गई। इसके बाद सुदीप अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाए और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सन 1998 से लेकर 2000 तक उन्होंने 20 प्रोडक्शन यूनिट चालू कर दिए थे। आज सुदीप की कंपनी एसटी एल्युमिनियम नंबर 1 है। उनको अभिनय सोच के कारण उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। आज उनके कंपनी का नेट ग्रोथ 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनके फैक्ट्री के मजदूर आज भी उन्हें दादा बोल के बुलाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हालातों को अपना नसीब नहीं बनाते, वो अपना नसीब खुद लिखते हैं, और सुदीप दत्ता ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।